90 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का 15 मई को जन्मदिन होता है। माधुरी दीक्षित ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 52 साल की होने जा रही माधुरी पद्मश्री भी हैं। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक फिल्म में काम करने के लिए एक महिला कलाकार के तौर पर सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे। माधुरी के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी। हिरेन नाग के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। अबोध के बाद माधुरी ने कई और फिल्में भी की जो असफल रही, लेकिन साल 1988 में माधुरी दीक्षित ने जैसे ही 1, 2, 3 किया, दर्शक तो पागल ही हो गए। तेजाब ने माधुरी दीक्षित को मुंबई इंडस्ट्री में सबसे पहली सफलता दिलाई। इस फिल्म के साथ माधुरी और अनिल कपूर की जोड़ी हिट हो गई। इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार किया, लिहाजा माधुरी ने भी अनिल के साथ 20 फिल्में की। हालांकि इसी साल आई माधुरी की एक और फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म थी दयावान। इस फिल्म में अपने से 21 साल बड़ी उम्र के एक्टर विनोद खन्ना के साथ दिए गए उनके किस सीन ने खूब तहलका मचा दिया था। एक इंटरव्यू में माधुरी ने कहा था कि उन्हें इस सीन को नहीं करना चाहिए था। माधुरी का नाम अक्सर उनके को एक्टर के साथ जुड़ता रहता था, कभी अनिल कपूर तो कभी संजय दत्त के साथ। उनके रिश्तों की बात मीडिया का बाजार अक्सर गर्म किया करती थी। दुनिया के मशहूर पेंटर MF हुसैन भी माधुरी दीक्षित के बड़े फैन थे। उन्होंने माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन करीब 67 बार देखी थी। जब माधुरी ने आजा नचले के साथ अपना कमबैक किया तो हुसैन ने पूरा थिएटर बुक कर लिया था। माधुरी दीक्षित के दीवाने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम माधुरी दीक्षित हमें दे दो। माधुरी का धक धक स्टाइल तो आपको याद ही होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म बेटा की पहली पसंद श्रीदेवी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सरस्वती का रोल माधुरी दीक्षित के हाथ आया और रातों रात माधुरी दीक्षित माधुरी से धक धक गर्ल बन गई। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए माधुरी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड भी दिया गया। यह फिल्म 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के साथ ही साल 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। मधुबाला की तुलना कई बार माधुरी दीक्षित से होती रही है। उसका पहला बड़ा कारण है मोहक मुस्कान की मल्लिका मधुबाला की मिलियन डॉलर स्माइल। कुछ कुछ ऐसी ही मुस्कुराहट माधुरी दीक्षित में भी देखने को मिलती है। उनकी खिलखिलाहट गजब की है। माधुरी दीक्षित भी अपनी तुलना मधुबाला से होने पर खुद को धन्य मानती हैं। amarujala.com 23 मई 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम। हम दिखाएंगे नतीजों के पीछे की पूरी तस्वीर, सबसे पहले सबसे सटीक अमर उजाला.com पर।